नमस्कार, फिर से मैं आपका ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन हेडेक के पार्ट फिफ्थ में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यदि आप इसका पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर्थ भी देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वहाँ देख सकते हैं। आज इस पार्ट फिफ्थ में हम आपसे बात करेंगे कि माइग्रेन की समस्या के रोकथाम, बचाव, निवारण व नियंत्रण हेतु हम क्या खाएं, क्यों खाएं, क्या ना खाएं और क्यों नहीं खाएं, तथा माइग्रेन से होने वाले सिरदर्द को दूर करने के लिए कुछ होम रेमेडीज जो मेरे स्वयं के कार्य अनुभव के आधार पर अनुभूत यानी स्वयं सिद्ध है, और कुछ सावधानियां जिनका ध्यान रखने पर माइग्रेन से बचा जा सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं कि हम क्या खाएं, क्यों खाएं, क्या न खाएं और क्यों नहीं खाएं, इनका ध्यान रखकर हम माइग्रेन से कैसे फ्री रह सकते हैं। हम जानते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक होता है कि सामान्य ढंग से भूख लगने, खाना पचने और जज्ब होने तथा मल मूत्र त्यागने की प्रक्रिया ठीक प्रकार से चलती रहे। इसके लिए बेहद जरूरी है कि हमें ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमें सभी विटामिन्स और मिनरल्स हों, क्योंकि आहार ही हमारी ब्रेन केमिस्ट्री को प्रभावित कर उसे संतुलित कर माइग्रेन से बचाव, रोकथाम, निवारण व नियंत्रण कर सकता है। आहार में उचित बदलाव लाकर हम इसे सही आहार में बदल सकते हैं, जिसमें विटामिन B2, विटामिन D, विटामिन E, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम एवं जिंक और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स इत्यादि से भरपूर खाद्य पदार्थ हों, क्योंकि इनको लेने से ये ब्रेन केमिकल्स सेराटोनिन को बूस्ट कर देता है, जिससे ये माइग्रेन होने ही नहीं देता। विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है, यह सेराटोनिन हार्मोन को रेगुलेट करने में मदद करता है। यह मस्तिष्क के रक्त वाहिनियों में ऊर्जा भंडार को बढ़ा देता है। ऊर्जा भंडार बढ़ने से मस्तिष्क के पीड़ा की दर्द को सहने की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार यह माइग्रेन को रोकने में मदद करता है। यह माइग्रेन के अटैक की आवृत्ति और अवधि को कम करने में सकारात्मक भूमिका निभाता है, जिससे कोई गंभीर दुष्प्रभाव भी नहीं होते हैं। यह गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियों और चोकर वाले अनाज में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अतः हरी सब्जियां और चोकर वाले अनाज की चपातियां खाने से व्यक्ति को माइग्रेन से होने वाले सिरदर्द को सहन करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है। इसी प्रकार से विटामिन डी के बेहतरीन स्रोत हैं दूध, कॉड लीवर ऑयल और सूर्य की प्रातःकाल की किरणें। विटामिन ई बीजों में गामा टोकोफेराल, जो विटामिन ई का ही एक रूप है, इसके मुख्य स्रोत सूरजमुखी के बीज, अखरोट व बादाम हैं। ये सभी एकदम नेचुरल विटामिन ई से भरपूर हैं। यह रक्त वाहिनियों को स्वस्थ रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। यह उनकी अंदरूनी लाइनिंग को ज़्यादा लचीला बना देता है। कैल्शियम, इसके आपूर्ति हेतु आप तिल, रागी, फूल, मखाना, दूध और दही से कर सकते हैं। मैग्नीशियम, विभिन्न शोध व अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि माइग्रेन के 50% से अधिक केसेस के पीछे व्यक्ति के शरीर में मैग्नीशियम मिनरल की कमी का होना है। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 300 से 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिनरल की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थों जैसे हरी साग सब्जियां, साबुत अनाज और अंकुरित अनाज का पर्याप्त मात्रा में माइग्रेन से पीड़ित व्यक्तियों को विशेष रूप से इनका सेवन करना चाहिए। केला मैग्नीशियम मिनरल का एक अच्छा स्रोत है। सेलेनियम, यह हमारे मूड पर ज़बरदस्त असर डालता है। सेलेनियम की अधिक मात्रा वाला आहार हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और चिंता जो चिता के समान होती है
को कम करता है। जबकि सेलेनियम की कमी से भय, भ्रम और उदासी बढ़ती है। यह शतावर, अजमोद, खीरा, फूल गोभी, लहसुन, मूली व प्याज इत्यादि में भरपूर मात्रा में होता है। जिंक भी मैग्नीशियम एवं कैल्शियम की तरह ही माइग्रेन से निजात दिलाने के लिए अति आवश्यक मिनरल यानी खनिज है। शरीर में जिंक की कमी होने पर इसका सबसे पहला दुष्प्रभाव मस्तिष्क पर ही पड़ता है, क्योंकि यह मस्तिष्क की तरंगों में उतार चढ़ाव करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे शरीर माइग्रेन के रूप में प्रक्रिया देता है। परंतु खुशकिस्मती से जिंक की पर्याप्त मात्रा हमें अपने आहार से, हमारे खाने पीने से ही आसानी से मिल जाती है। इसके प्रमुख स्रोत हैं मूंगफली, तिल, लहसुन, मशरूम, साबुत अनाज आदि। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, यह मस्तिष्क की कोशिकाओं की म्यूकस झिल्ली की तरलता को बेहतर बनाता है, जिससे यह रक्त वाहिनियों के फैलने में मददगार साबित होता है। यह मस्तिष्क में सूजन को कम करके माइग्रेन संबंधी समस्या को दूर करता है। यह उनके लिए एक वैकल्पिक चिकित्सा हो सकती है। यह फिश ऑयल अखरोट में प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। क्या ना खाएं? माइग्रेन से ग्रसित व्यक्तियों को टायरामिन युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। यह रसायन मस्तिष्क की रक्त वाहिनियों को सीधे रूप से प्रभावित करता है, जिससे सिरदर्द का पुनः आक्रमण हो सकता है। टायरामिन चॉकलेट, किसी भी प्रकार की चीज, मांस इत्यादि, मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG, जो एक फूड एडिटिव है जो चाइनीज खाद्य पदार्थों में होता है, यह रसायन भी माइग्रेन के अटैक को आमंत्रित कर सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि माइग्रेन के व्यक्ति को सदैव संतुलित भोजन ही लेना चाहिए। इस समस्या से ग्रसित व्यक्ति को लंबे समय के लिए उपवास नहीं करना चाहिए। इस समस्या में भूखा रहना इसके कष्ट को बढ़ाना है। और सुबह का नाश्ता जरूर से करें, क्योंकि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो रात का खाया पिया तो पच चुका होता है। इसलिए तुरंत चुस्ती, फुर्ती और ताजगी को बरकरार रखने के लिए सुबह नाश्ता करना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि शरीर के लिए जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी पूरी हो जाए, हमें भरपूर एनर्जी मिल सके और हम माइग्रेन की समस्या से हमेशा के लिए बचे रह सकें। अब मैं आपको माइग्रेन से होने वाले सिरदर्द को दूर करने के लिए कुछ होम रेमेडीज यानी घरेलू उपाय, जो मेरे स्वयं के कार्य अनुभव के आधार पर अनुभूत हैं, बताने जा रहा हूँ। आप उनका प्रयोग कर इस समस्या से निजात पा सकते हैं। पहला उपाय है 2 चम्मच अदरक का रस लेकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर उसका सेवन करने से माइग्रेन में तुरंत लाभ मिलता है। दूसरा उपाय है जो आप कर सकते हैं, 6 ग्राम सौंफ चूर्ण में संभाग मिश्री चूर्ण मिलाकर इसे पानी से ले लें। तीसरा उपाय जो आप कर सकते हैं, अशोक की छाल और ब्राह्मी का चूर्ण बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें। 1-1 चम्मच सुबह शाम 1 कप गर्म दूध के साथ कुछ दिन नियमित इसका सेवन करें। चौथा उपाय जो आपको करना चाहिए, आप कर सकते हैं, बड़ी इलायची, काली मिर्च, काला नमक, अजवाइन, हींग, सौंफ, पुदीना और मिश्री का काढ़ा बनाकर पिएं। इससे आपको माइग्रेन के सिरदर्द में राहत मिलती है। पांचवा उपाय जो आपको करना चाहिए, देसी घी को हल्का सा गर्म करके 2 से 5 बूंदें नाक के छिद्रों में डालने पर तुरंत आराम मिलता है। छठा उपाय है जो आप कर सकते हैं, सिर पर बादाम रोगन तेल की मालिश करनी चाहिए। सातवां उपाय है माइग्रेन की समस्या को दूर करने के लिए, पौष्टिक नाश्ता कारगर है, जिसमें आप 1 ग्लास गरम गरम दूध और थोड़ी सी देसी घी में बनी हुई जलेबी दोनों का एक साथ कुछ दिनों के लिए नाश्ते में खाना शुरू कर देवें। धीरे धीरे माइग्रेन की समस्या फुर होने लगती है। यह इस समस्या को दूर करने के लिए वरदान हो सकती है। लेकिन यदि आपको मधुमेह रोग है तो ध्यान रहे, ये नाश्ता आपके लिए नहीं है। अब मैं आपको कुछ सावधानियां भी बताना चाहूँगा, जिनका ध्यान रखने पर आप माइग्रेन की समस्या ना हो
बचे रहेंगे, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वह यह है कि कृत्रिम तेज रोशनी में पढ़ने का अभ्यास भी उचित नहीं है। आँखों के सामने सीधी रोशनी तो पढ़नी ही नहीं चाहिए, उचित यह है कि रोशनी सिर के पीछे से आए। पुस्तकों को आगे के बिल्कुल निकट रखकर भी नहीं पढ़ना चाहिए। पुस्तक को कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। झुककर या लेटकर पढ़ना भी अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वह यह है कि टीवी को दूर से ही देखना चाहिए। कोशिश करें कि टीवी सेट से आपकी दूरी कम से कम 3 मीटर के बराबर हो। टीवी सामने बैठकर ही देखना चाहिए, अगल बगल से या तिरछे बैठकर देखना उचित नहीं होता है। तीसरी बात यह है कि कृत्रिम रोशनियों के बीच ज़्यादा समय तक रहने से आँखों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसे माइग्रेन का अटैक हो सकता है, इसलिए इससे बचें। ऐसे ही सूर्य की किरणों तथा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड या दूसरी तेज व चमकीली रोशनी की ओर डायरेक्ट न देखें। कंप्यूटर पर काम करते वक्त चमकरोधी यानी एंटी ग्लेयर चश्मा पहने या आंखों पर पड़ने वाले जोर को एक हद तक कम कर माइग्रेन होने ही नहीं देता है। और एक बात और ध्यान रखने वाली होती है कि तेज खुशबू वाले परफ्यूम या डिओडोरेंट ना लगाएं। और अंत में मैं आपसे एक बात यही कहना चाहूँगा कि किसी भी संदेह की स्थिति में अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श करना हमेशा समझदारी भरा होता है। आपका विशेषज्ञ डॉक्टर आपके स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने और फिर उसी के अनुसार सुझाव देने के लिए बेहतर स्थिति में होता है। आप मेरे द्वारा आपके लिए विशेष रूप से तैयार की गई वीडियोस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन हेडेक के Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 और Part 5 में शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आगे भी जल्दी आने वाली वीडियोस में भी आप सभी इसी तरह से हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।